हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, आज का दिन ब्रह्मास्त्र रिलीज हो गई है और फर्स्ट हाफ खत्म हो गया, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट डे फर्स्ट शो हमारे दो कॉमन मैन, जी हाँ दोस्तों, अविनाश भाई और अलेक्स भाई, जो कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आए हैं। पहले तो आप लोगों को बोलूँगा कि फर्स्ट हाफ आपने खत्म किया, कैसी लगी आप लोगों को? वो भी 3D चश्मा हम लोग पहने हुए, 3D में देख रहे हैं। पहले तो बताओ कि फर्स्ट हाफ कैसी लगी आपको? पहली बात तो यार, मैं वो मतलब बोलने के लिए वो है नहीं, क्योंकि मेरा ना एकदम मतलब पाव हाथ कांप रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्योंकि हम पूरे साथ में पहले मतलब पहली बार मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो हमारी पूरी टीम बॉलीवुड मैटिनी के साथ आया हूँ। मैं बहुत अच्छी लग रही है। अभी फर्स्ट हाफ खत्म हुआ है, जस्ट इंटरवल हुआ है और पब्लिक इतना मतलब काप काप के बाहर आ रही है। जो इंटरवल बना है, मैं इंटरवल की बात करूँ, इंटरवल जो बना है ना एकदम गुजबम, बोला आपके रोमटे, मतलब मैं बोलूँ ना बॉलीवुड इज बैक, कुछ साउथ का कॉपी नहीं, कुछ नहीं। रणवीर ने फाड़ दिया, नागार्जुन ने फाड़ दिया, अभी अमिताभ बच्चन सर आए इंटरवल में, किंग खान ने फाड़ दिया स्टार्टिंग में। बोलो यार, बोलो शाहरुख खान का पठान से कमबैक नहीं, उनका कमबैक हो गया है ऑलमोस्ट ब्रह्मास्त्र से। मतलब और भी मूवी पर ये तो फाड़ ही दिया जो रोल किया उन्होंने, सच में बहुत मतलब बहुत है। मतलब मेरे को बोलने के लिए बहुत, पर मैं मूवी खत्म के बाद बहुत कुछ बोलूंगा। हाँ, पर ये जो था ना मेरा एक्साइटेड, देखो मतलब बॉलीवुड के लिए इतना हो रहा है, देखो ना मतलब पूरा हाथ पाव का हो रहा है मेरा, क्या बना दिया आयन मुखर्जी का, मेहनत दिख रहा है इसके अंदर सच में। और आलिया और रणवीर का जो केमिस्ट्री और जो एक्टिंग किया, और जो अभी का जो इंटरवल के जो 15 मिनट का जो सीन आया, फुल फाड़ दिया, बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। बाकी का रिव्यू मैं मूवी देखने के बाद, अभी सेकेंड हाफ खत्म होने के बाद पूरा एक साथ मैं दूंगा। तब तक के लिए अपना सेकेंड, हाँ अविनाश भाई बाकी है, सॉरी। हमारी नसीब अच्छी है, हमने बहुत बोला ना, बहुत इनिशिएट करके ना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, जैसा अभी ब्रह्मास्त्र का केस चल रहा है, बहुत हम लोग ने कोशिश किया, हमको देखना है तो देखना। आज हम लोग ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, गूज बम भाई, स्पीचलेस सच में भाई। फर्स्ट हाफ इतना तगड़ा है यार, बॉलीवुड वाला कमबैक कर लिया भाई, सच में बोलूँ कमबैक कर रही है। मैं बोल रहा ना, हर दिल पे राज करेगा मूवी, ऐसा मूवी बनाया ले, दिल पे राज करेगा। फर्स्ट हाफ इतना कड़क बनाया ना, गूज़बम्प, स्पीचलेस एनर्जी क्या दिखाया यार। अभी तो सेकंड हाफ बाकी है, बस खाली रुका हूँ मैं, सेकंड हाफ चालू हुआ तुरंत देख लूँ, उसके बाद तुरंत मिलते हैं फुल मूवी के देखने के बाद रिव्यू। बाकी हमारे इनको भी थोड़ा रिव्यू देने, ये भी हमारे साथ मूवी देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैं अपना रिव्यू करता हूँ। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जितने भी लोग बोल रहे थे बॉलीवुड कमबैक नहीं करेगी, तो ये एक बॉलीवुड का बहुत बड़ा कमबैक है। आयान मुखर्जी जो कि इस मूवी का डायरेक्टर, उनका जो मेहनत है 10 साल का इस मूवी में दिख रहा है दोस्तों। और आपको बता दूँ कि फुल पैसा वसूल है। तो दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं। बस फुल बोलूंगा कि अभी फर्स्ट हाफ में कुछ ऐसा हिंदू धर्म का कुछ लोगों ने ऐसा मिस यूज नहीं किया है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से बताया, बहुत प्रॉपर तरीके से। आप गुजबम करोगे, सीटियां ताले मारे हो, हम तो यार पागल हो गए एकदम देख के, पागल, सीटियां ताले मारे, शाहरुख खान के इंटरव्यू चिल्लाए हम बस। बाकी हम सेकंड हाफ देखने के बाद पूरा रिव्यू देखे। टिल देन वॉच बॉलीवुड मेंटेनिटी, सब्सक्राइब द चैनल। तो थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।